क्लास 10 चैप्टर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.2 का सिक्स क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि आयरन पोल है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर और डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक और छोटा सा सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो इस पूरे आयरन पोल का हमें मास निकालना है। दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है। तो यहाँ हम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, डेंसिटी का फार्मूला, बट पहले हम वॉल्यूम निकाल लें। यहाँ छोटे सिलेंडर के लिए मैंने स्मॉल आर एच लिया है और कैपिटल के लिए कैपिटल आर एच लिया है, तो इससे हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। पाई कॉमन, पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3.14 कंसीडर करना है। आर यानी कि यहाँ स्मॉल की बात हो रही है, तो 8² × 60 प्लस आर, ये कैपिटल की, लेकिन ध्यान दीजिए डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 12। यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, रेडियस इज इक्वल टू 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए, इसको ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इतना वॉल्यूम आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, जो फिजिक्स में एक फार्मूला आपने पढ़ा है उसको हम मेंशन करें कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया है 8 ग्राम, दैट इज डेंसिटी। तो वो डेंसिटी हम यहाँ लिखेंगे 8 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। मास हमें निकालना है और वॉल्यूम हमारा है 1000 से डिवाइड करें। इसको मल्टीप्लाई करने पर आ गया 892.26 kg अप्रोक्स। तो इतना मास है इस आयरन पोल का।